और इसकी रेंज रहने वाली है दोस्तों 195 किलोमीटर तक आपको इसमें रेंज मिल जाएगी। जो टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको चार मोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो पहला इको मोड है, ठीक है, उसमें जाएगी 178 किलोमीटर और नॉर्मल में 141 किलोमीटर जाएगी गाड़ी। और जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो अभी मैं आया हुआ हूँ ओला के शोरूम में और ये देख सकते हो आप ओला S1 Pro। तो इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो ओला S1 Pro। और सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसका प्राइस, माइलेज, रेंज, एवरीथिंग अबाउट और बैटरी पावर वगैरह सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इसका ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस और इसका क्या क्या डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो एक बार मैं आपको इसका 360 व्यू दे देता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। तो लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है दोस्तों इसका, और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फ्रंट में कुछ आपको ऐसा इसमें LED लाइट्स मिल जाएंगे, दो LED लाइट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी लेफ्ट और राइट साइड में, और बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों। और ये देख सकते हो इसका फ्रंट का व्यू दोस्तों, बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। तो अभी मैं ओला के शोरूम में ही हूँ, तो यहाँ पर आपको ओला की बैचिंग मिल जाएगी देखने के लिए, और उसके नीचे में आपको अपने नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर फाइबर बॉडी का ये इसका मरघाट मिल जाएगा देखने के लिए। और ये टायर आप देख सकते हो 90-90 और अपना 12 इंच का इसमें अलॉय मिल जाएगा आपको टायर। और आगे में इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा और डबल सस्पेंशन शॉकर आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही प्यारे और प्रीमियम लग रहे हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ इस ओला इलेक्ट्रिक टॉप मॉडल की, S1 Pro है दोस्तों ये। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब मैं साइड में आ गया हूँ, तो डिज़ाइन भी कुछ चेंज कर दिया है इसका। और यहाँ पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों साइड में स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे में आपको यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्लोप भी थोड़ा चेंज किया है, और यहाँ पर आप अपना कुछ सामान वगैरह कैरी कर सकते हो, कुछ टांग सकते हो दोस्तों यहाँ पर इजीली। और बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों ये, आप देख सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, ये देख सकते हो। तो अभी मैंने इसको अनलॉक कर दिया है, तो अनलॉक करने से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये, ठीक है, और बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लग रहा है। तो मैं आपको एक बार इसकी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लाइट ऑन कर दी है, ये सारा आप टच स्क्रीन है पूरी, ये 7 इंच की टच स्क्रीन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी उसकी तरफ से, ठीक है। तो फ्रंट से अब कैसा दिखता है दोस्तों ये तो देख लीजिए, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आएगा दोस्तों इसका जब लाइट ऑन होगी। तो ये आप देख सकते हो, इट्स रियली ऑसम, बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। और ये कलर सबसे अच्छा लगा मुझे, इसलिए इन सब गाड़ियों में से मैंने ये कलर निकलवाया दोस्तों स्पेशल आपके लिए। तो ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये कलर आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो अब इसकी फटाफट से मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको लेफ़्ट साइड से दिखा देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट साइड से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये स्कूटर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इसका बूट स्पेस ओपन हो जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हो, अब मैंने इसका बूट स्पेस ओपन कर दिया है, तो काफ़ी बड़ा इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। और ये आपको आपका चार्जर वगैरह भी सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें निकालता हूँ इसमें से, कितना स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, चार्जर निकालने के बाद में दो हेलमेट आपके इसके अंदर में आराम से आ जाएंगे, ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। और ये आपका टूल किट है, ठीक है। और ये देख सकते हो ओला की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसका चेचेस नगर नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों डिगी में, ठीक है। तो आपके दो हेलमेट इजीली इसके अंदर में आ जाएंगे, और बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों ये स्कूटर। तो इसको यहाँ से अभी बंद कर देते हैं, तो अभी बंद कर दिया है यहाँ से इसको, ठीक है। तो और अब मैं आ गया हूँ पीछे में,
तो पीछे से भी इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है दोस्तों। पहले में जो इसका पीछे का पकड़ने का हैंडल था वो थोड़ा डिफरेंट था, और अभी इसमें काफ़ी मजबूत मेटल का आपको पीछे में हैंडल दे दिया है। ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और मजबूत हैंडल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, और S1 Pro की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना चार्जर इसमें लगा सकते हो दोस्तों। तो कितने घंटे में ये फुल चार्ज होगा वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। और पीछे में आपको यहाँ पर LED लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पीछे का रेडियम मिल जाएगा, और यहाँ पर अपना नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और पीछे के टायर की प्रोफाइल की बात करें तो पीछे में भी आपको काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन देखने के लिए मिलने वाला है, और ये देख सकते हो इसका डिस्क ब्रेक। तो इसमें फ्रंट में और बैक में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको अपना पैर रखने का हैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया ओवरऑल फिनिशिंग है इसकी, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया दिया गया है दोस्तों, और 12 इंच का आपको इसमें टायर मिल जाएगा दोस्तों, ट्यूबलेस टायर मिलेगा 12 इंच का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बता दी, और इसकी मोटर यहाँ पर रहने वाली है, ये देख सकते हो अंदर में मोटर दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब मैं इसके अभी राइट साइड में हूँ, लेफ्ट साइड से दिखाता हूँ दोस्तों, और लेफ्ट साइड में आपको और क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, लेफ़्ट साइड से कुछ ऐसा दिखने वाला है गाड़ी दोस्तों, ये देख सकते हो, और इसका व्यू बहुत ही शानदार आ रहा है दोस्तों। तो एक बार मैं आपको इसको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ से जब आप इसमें पासवर्ड डालोगे, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ व्यू आता है दोस्तों, आप देख सकते हो। और 120 तक की इसकी टॉप स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी 98% ये चार्ज है दोस्तों। तो इसके सारे की फ़ीचर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके की फ़ीचर क्या क्या रहने वाले हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से बताता हूँ अब, ठीक है। तो की फ़ीचर में आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इसकी सबसे पहले रेंज की बात कर लेते तो 195 किलोमीटर की रेंज अब आपको मिल जाएगी इसमें। पहले 150 तक की रेंज मिलती थी, तो टॉप एंड मॉडल में आपको 195 तक की रेंज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और टॉप स्पीड दोस्तों इसकी रहने वाली है 120, टॉप स्पीड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी S1 Pro में, ठीक है। और उसके बाद में 0 to 40 किलोमीटर ओनली फोर मात्र 2.6 सेकंड में ये कवर कर लेगा दोस्तों। 2.6 सेकंड के अंदर में ये 0 से 40 तक की स्पीड कवर कर लेगा, ठीक है। और जो इसका पीक पावर है, जो 11 वोल्टेज रहने वाला है दोस्तों पीक पावर, और बैटरी कैप, अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें दोस्तों इसकी, तो 4 किलोवाट की इसके अंदर आपको बढ़िया सी बैटरी मिल जाएगी। 4 किलोवाट की बड़ी बैटरी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। और चार्जिंग टाइम की इसमें बात करें तो दोस्तों 6 आवर में ये फुल चार्ज होगी दोस्तों, ठीक है। ये चार्जिंग की बात हो गई दोस्तों। और अब इसमें क्या कौन कौन से मोड आपको देखने के लिए मिलेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर आपको 4 मोड इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे टॉप मॉडल के अंदर में। तो यहाँ से इसको होम कर देते हैं दोस्तों। तो ओला फैक्ट्री, ओला इनोवेशन, ओला कैंप्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो इसमें आपको 4 मोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो पहला इको मोड है, ठीक है, उसमें जाएगी 178 किलोमीटर, और नॉर्मल में 141 किलोमीटर जाएगी गाड़ी, और स्पोर्ट्स में 124 किलोमीटर तक जा सकती है गाड़ी, और हाइपर में 99 किलोमीटर तक ही जाएगी दोस्तों। तो ये सारे फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है, और एवरेज स्पीड वगैरह, टॉप स्पीड वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। आप अपना मोबाइल वगैरह भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब एज ए मतलब एकदम मोबाइल की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई इसके डिस्प्ले की बात दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर में आपको और 7 इंच की आपको ये टच स्क्रीन जो दिख रही है दोस्तों, 7 इंच की टच स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों इसके अंदर में, ठीक है। और डिजिटल की इसमें आपको मिलेगी, और 5 कलर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वाइट और ये वाला कलर, ब्लैक कलर और ग्रे कलर, और वो जो उधर खड़ा है बैंगनी कलर दोस्तों। तो 5 कलर इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और 34 लीटर की इसका बूट स्पेस रहने वाला है, 34 लीटर का आपको बड़ा सा बूट स्पेस इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको फ्रंट में डबल सस्पेंशन मिलेंगे, ये देख सकते हो आप, डबल सस्पेंशन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रंट में। और रियर में आपको सिंगल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, और डबल डिस्क आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये देख सकते हो फ्रंट और बैक आपको डबल डिस्क ब्रेक इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई डिस्क की बात दोस्तों।
सारी चीज़ें मैंने आपको फटाफट से बता दी। तो अब आपको इसके कंट्रोल्स में बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से पावर स्टार्ट होगा, ये देख सकते हो, यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट पावर ऑन होता है, यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे पासवर्ड लगाना है इसमें और यहाँ से आप प्रेस करोगे तो ये पावर स्टार्ट हो जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, पर अभी हैंडल जब तक रहेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ से आपको अपने साउंड वगैरह सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से आप अपना इंडिकेटर वगैरह ऑन कर सकते हो, लेफ्ट इंडिकेटर तो ऐसा साउंड करेगा दोस्तों, आप देख सकते हो। और हॉर्न भी एक बार सुना देता हूँ मैं, तो कुछ ऐसा हॉर्न आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब मैं इसका फटाफट से आपको प्राइस भी बता देता हूँ दोस्तों, इसका प्राइस ऑन रोड प्राइस बेंगलोर कर्नाटक में कितना रहने वाला है दोस्तों। तो जो S1 Pro है दोस्तों, वो आपको बेंगलोर कर्नाटक में 1,60,000 का पड़ जाएगा दोस्तों। 1,60,000 ऑन रोड रहने वाली है इसकी प्राइस। और एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,45,000 का ये आपको एक्स शोरूम पड़ जाएगा बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इसके प्राइस की बात। आपको ऑन रोड 1,60,000 का ये गाड़ी पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में, अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस हो सकता है दोस्तों, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इतने में आपको लगभग पड़ जाएगा। और इसकी रेंज रहने वाली है दोस्तों 195 किलोमीटर तक आपको इसमें रेंज मिल जाएगी। जो टॉप एंड मॉडल है उसमें इतनी रेंज आपको कंपनी की तरफ से, मतलब इतनी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आपको डबल डिस्क मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, और नॉर्मल वाले वेरिएंट में आपको डबल डिस्क नहीं मिलता है दोस्तों। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी एक एक करके। तो ऐसे पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे दमदार वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहता हूँ दोस्तों। और ये देख सकते हो आप, ओला के सारे मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और अभी मैं ओला के शोरूम में ही हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो आप। तो ये ओला का शोरूम है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी दोस्तों S1 Pro के बारे में। और भी इससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी टच स्क्रीन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा और प्रीमियम ये लग रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल। और दोस्तों आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और CNG के दाम लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो उस वजह से अभी मार्केट में ओला की बहुत ही डिमांड है दोस्तों। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों ओला, तो उस हिसाब से भी इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। तो S1 Pro का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना, और ये कलर आपको कैसा लगा कमेंट कर फटाफट से बताओ दोस्तों मुझे, क्योंकि पर्सनली ये कलर मुझे बहुत पसंद है दोस्तों सभी कलर से। और उसके बाद में ब्लैक कलर भी अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ये सभी अभी आए हैं दोस्तों, और ये सबसे टॉप मॉडल है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हो आप।